subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मैं आज ये भी कामना करती हूँ कि अगले वर्ष शुरू में ही पंजाब स्टेट में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में BSP व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने, जिनको इनके पिता श्री प्रकाश सिंह बादल जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि श्री प्रकाश सिंह बादल जी का राजनीतिक व संसदीय जीवन काफ़ी लंबा, समृद्ध व आम जनहित को समर्पित करने तथा काफ़ी अनुभवों वाला रहा है और ये पंजाब स्टेट के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यहाँ की जनता की काफ़ी सेवा भी की है। इतना ही नहीं बल्कि BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के यहाँ श्री प्रकाश सिंह बादल जी से बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, जिसके बारे में पंजाब स्टेट के लोग भी काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और यदि वे जीवित होते तो वे भी आज इस शुभ अवसर पर श्री प्रकाश सिंह बादल जी को अपनी शुभकामनाएं जरूर देते। यूपी के संबंध में भी ये कहना चाहूँगी कि यूपी में विधानसभा आम चुनाव होने से पहले यहाँ दूसरी पार्टियों के खासकर निष्कासित, निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांश आया राम व गया राम ही कहती हैं, साथ ही उस पार्टी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती है। फिर भी मीडिया द्वारा जनता को ये सब हर दिन इसे ऐसे परोसा जाता है, दर्शाया जाता है जैसे ये सब ऐसी कोई बड़ी घटना हो जिससे जनता प्रभावित हो जाए, जबकि उसमें कतई भी सच्चाई नहीं होती है। इसलिए BSP इस किस्म की राजनीति से अपने आप को पाक साफ रखने का भी पूरा प्रयास करती है। इसी प्रकार यहाँ कुछ पार्टियों द्वारा एक एक सीट पर कई लोगों को टिकट का आश्वासन देकर व उसकी आड़ में थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा करके तथा अन्य और भी किस्म की नाटकबाजी करके, साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यहाँ प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि यूपी की जनता अब ये सब काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है।